वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं राजस्थान की खारे पानी की झील। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे जो पीछे झील देख रहे हैं वो है राजस्थान के खारे पानी की झील, जिसका नाम है लून करणसर। जो ये झील है लून करणसर, राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है एक बीकानेर, वहां पे एक नगर है लून करणसर, वहीं पड़ती है। तो दोस्तों इस झील का जो नाम है लून करणसर क्यों पड़ा, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो लोकल भाषा है उस लोकल भाषा के अंदर जो नमक को कहा जाता है लून, और इस झील से निकलता है नमक, तो इसलिए इस झील का नाम पड़ गया लून करणसर। दोस्तों आज से 80-90 साल पहले इस जगह से, इस झील से बहुत सारा नमक निकाला जाता था, लेकिन प्राकृतिक बदलाव के कारण अब यहाँ से जो नमक निकलता है बहुत कम निकलता है। आज के टाइम पे इस झील के अंदर जो लवणता है वो बहुत कम है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंजेज हैं, प्राकृतिक जो बदलाव हैं, उनके कारण इस झील के अंदर जो लवणता की काफ़ी कमी आ गई है। फिलहाल अब इसकी ये पोजीशन हो गई है कि जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस झील के नज़दीक है लून करणसर नगर। उस नगर का नाम है, उस कस्बे का नाम है लून करणसर। उस कस्बे का जो गंदा पानी है, कुछ कुछ गंदा पानी इस झील के अंदर भी आ जाता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि इस झील में से जो लवणता की काफ़ी कमी आ गई है। दोस्तों इस झील का जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 6 वर्ग किलोमीटर के आसपास एरिया है, काफ़ी बड़ी झील नहीं आती। जहाँ तक देखो दोस्तों आपकी नज़र जहाँ लग रही है, सिर्फ और सिर्फ इसी इतना ही एरिया इस झील का। देखो दोस्तों मैं एक सांभर झील है, राजस्थान की एक सांभर झील है, खारे पानी की झील, वहाँ भी गया था। वहाँ का मैंने पानी देखा था, वहाँ का पानी बहुत ही साल्टी था। देखो ये आपको पानी दिखाता हूँ इसको मैं, सूंघने से पता लग रहा है कि इसके अंदर जो नमक है काफ़ी कम है, लवणता की काफ़ी कमी है। और आसपास की आपको ज़मीन भी दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, देखो ये जो सफ़ेद आपको ज़मीन दिखाई दे रही है ये नमक के कारण ही है। आपको दिखाता हूँ ज़मीन, देखो आपने ज़मीन के अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद परत देख रहे हो दोस्तों, ये इस पानी में से जो नमक निकलता है या फिर इस ज़मीन में जो नमक है उसके कारण यहाँ पे ये सफ़ेद परत आपको दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों जहाँ भी झील का एरिया होता है, जहाँ पर खारे पानी की झील होती है, वहाँ पर पेड़ पौधे तो वनस्पति तो आपको पता ही है नमक के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। तो आसपास जितना भी आप एरिया देख रहे हो उसके अंदर आपको घास फूस पेड़ पौधे आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। चलिए मेरे साथ जो मेरा दोस्त आया हुआ है उसे मैं बोलता हूँ कि थोड़ा इसका ना पानी टेस्ट करके बताएं कि कैसा पानी है। वैसे जब मैं सांभर झील गया था तो वहाँ मैंने पानी थोड़ा टेस्ट करके देखा था, इतना नमकीन पानी था, इतना नमकीन पानी था कि आपसे चखा नहीं जाएगा। बिट्टू इधर आना, थोड़ा पानी टेस्ट करके दिखाना भाई कैसा पानी है इसका। ठीक, दोनों करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिट्टू है और अब हम दोनों पानी टेस्ट करके देखेंगे कैसा पानी है। चलो साइड ले, मैं थोड़ा पानी दे दूंगा तुम्हें, मैं कर लेना। अरे थोड़ा दोनों कर ले, क्या दिक्कत है बिट्टू, नू धाने मरांगे अपन। हम दोनों ने पानी लिया है, ऐसा है मतलब पता कैसा पानी है। हाँ ये बोल सकते हैं जो सांभर झील है उससे लवणता की नमक की कमी तो बिल्कुल है, लेकिन इतना खारा पानी है कि मानो एक गिलास पानी के अंदर आपने इतना नमक मिला दिया दोस्तों, कम से कम 10-12 चम्मच, 10-12 चम्मच भी कम ही है, 15-16 चम्मच आपने एक गिलास पानी के अंदर मिला दिए हो। और मिलाने के बाद जब आप उसको टेस्ट करोगे ना, उस पानी को जैसा टेस्ट उसका आएगा ऐसा ही टेस्ट आपको इसका मिलेगा। तो फिलहाल भी इस पानी के अंदर नमक है, और अगर इस झील को हम संरक्षित रखें, अच्छे से बचाव रखें, तो इससे काफ़ी हम मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि नमक
कि हर बंदे को जरूरत होती है, क्योंकि नमक हमारी डेली लाइफ के अंदर एक जरूरत का सामान है। तो यहाँ से काफी पैदावार करके हम अपनी इकोनॉमी को भी बचा सकते हैं और इस झील को भी संरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे ढेरी लगा रखी है, आपको दिखाई दे रही है ढेरी। इन ढेरी के अंदर काफी सारा नमक आपको दिख जाएगा। देखो जितने भी आपको ये सफेद सफेद पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, देखो ये वाले, ये सारे के सारे नमक के ही टुकड़े हैं। काफी हार्ड टुकड़े हैं ये, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर के टुकड़े हों, लेकिन ये नमक के टुकड़े सारे सारे आप देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे काफी ढेरियां लगा रखी हैं, जो नमक निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा वेस्ट बच जाता है ना, जिसके अंदर काफी सारा नमक भी बच जाता है, वही हैं ये ढेरियां। और जो बिल्कुल साफ नमक है उसको अलग से सेपरेट करके वो मार्केट के अंदर भेज देते हैं। देखो ये इस तरीके से यहां से नमक निकाला जाता है। अलग अलग एरिया डिवाइड करके देखो पानी स्टोर किया जाता है। जब ये पानी सूख जाता है तो इससे जो नीचे जो परत बसती है वो नमक निकलता है, और उस नमक की भी ढेरी बना के जो वेस्ट पदार्थ है देखो यहाँ निकाल देते हैं, और साफ सुथरा नमक फिर मार्केट में वो बेच देते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से नमक को तैयार किया जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो झील, उस झील से पानी लेके आ जाता है पाइप की मदद से। और यहाँ पे देखो आपको क्यारियाँ बनने लग रही होंगी, काफ़ी क्यारियाँ यहाँ पे बनाई हुई हैं। उन क्यारियों के अंदर इस पानी को जब स्टोर किया जाता है और धूप पड़ती है, धूप लगने से वो पानी उड़ जाता है और नीचे बसता फिर नमक, और फिर नमक की फिर बना ली जाती है ढेरियाँ। आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ मैं, तो इस तरीके से जो ये नमक इकट्ठा करके फिर इनकी ढेरियाँ बनती हैं, फिर इस नमक को हम कर लेते हैं प्यूरीफाई, साफ कर लेते हैं और फिर मार्केट के अंदर हम बेचने के लिए इसको भेज देते हैं। दोस्तों थोड़े मैंने मिट्टी ली थी, नमक वाली मिट्टी, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा मेरा हाथ चिपचिपा हो चुका है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर ही कुछ खास बात है, इस मिट्टी के अंदर ही कुछ लवण मिले हुए हैं। जो भी पानी बचाए, बरसात का पानी हो, कुछ भी पानी हो, अगर इसके अंदर मिलता है तो पानी नमकीन हो जाता है, फिर उस पानी से हम नमक निकाल लेते हैं। देखता हूं आपको, इस तरह की मिट्टी यहां पे हो जाती है, देखो आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये थी लूण करणसर झील। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।